नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। खाने वाले तेल की कीमतों में आज सुधार देखने को मिला है। आज के कारोबार के बाद सरसों, सोयाबीन, पामोलियन, सीपीओ, मूंगफली सहित लगभग सभी तेल तिलहन की कीमतों में सुधार देखने को मिला है। इसके अलावा बाकी तेल की कीमत पूर्व लेवल पर ही रही। सूत्रों ने बताया कि मलेशिया एक्सचेंज में 2.15% की तेजी रही है, जबकि शिकागो एक्सचेंज में 1.5% की तेजी देखने को मिली है। विदेशी बाजारों में तेजी के माहौल के बीच खाद्य तेलों की कमी होने से लगभग सभी तेल के भाव ऊंचे रहे। वहीं सूत्रों के मुताबिक सोयाबीन और पामोलियन के आयातकों को इन तेलों का आयात करने में लगभग 300 रुपए प्रति क्विंटल का नुकसान है, क्योंकि इनके मुकाबले देसी तेल कहीं ज्यादा सस्ते हैं। देसी तेलों और आयातित तेलों का अंतर बढ़ रहा है और आयातित तेल महंगे होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी अटकलें चल रही हैं कि सरकार खाद्य तेलों की आपूर्ति बढ़ाने के मकसद से आयात शुल्क घटाने के बारे में विचार कर सकती है, पर यह कदम पहले की ही तरह प्रतिगामी साबित हो सकता है। वहीं सूत्रों ने कहा कि शुल्क घटाए जाने के बाद विदेशों में खाद्य तेल के दाम बढ़ा दिए जाएंगे और शुल्क घटाने का कदम आग में घी जैसा काम करेगा। तो बड़ी खबर में अभी बस इतना ही, और बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।